आधे मन से कोशिश करने में और कोशिश ना करने के बीच बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता, लिटरली नो डिफरेंस। पोकेमोन की स्टोरी का मोरल भी यही था कि अगर बेस्ट बनना है तो पूरे मन से जान लगा के ट्रेनिंग करो। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आ जाता हूँ पोकेमोन की इस खूबसूरत दुनिया में एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए। और एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, कुछ भी। ऑल राइट, सो डे वन को स्पॉन होता हूँ एक डेजर्ट में, और स्पॉन होते ही मेरे पास काफ़ी चीज़ें थी और साथ ही साथ एक पोकेमोन था जो कि था शाइनी पोकेमोन। अब ये कैसे आया, कहाँ से आया और आप इस सर्वर में कैसे खेल सकते हो वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि ये देखो गांव बसानी और भिखारी पहले ही आ गए। कौन है ये लोग? आते ही मेरे साथ फाइट, तो ये फाइट बहुत ही टक्कर की थी। पहले तो एक मूवमेंट आया, मुझे लगा कि गया मेरा इकलौता पोकेमोन, लेकिन थोड़ी ही देर में भाई इसने सामने वाले को गिरा ही दिया। ऑब्वियसली शाइनी पोकेमोन था, पहले मैच में नाक तो नहीं कटवाएगा। ये फाइट जीतने के बाद फ्रॉकी भाई सब बहुत ही हवा में उड़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उसे जियोडुड मिल जाता है। अब इसकी ऑलरेडी हेल्थ भी कम थी तो 2 सेकंड भी नहीं रुक पाया और ये फ्रॉकी भाई साहब बेहोश हो जाते हैं। ये तो फीमेल है, फ्रॉकी बहना बेहोश हो जाती है। हाँ ये कर लो पहले। और तभी मुझे एहसास हो गया कि इस वर्ल्ड में ऐसे बच्चों के साथ कैसे रहूंगा, मुझे भी बड़े बड़े पोकेमोन पकड़ने हैं, मुझे भी ट्रेनर बनना है, काश मुझे कोई मिल जाए और सब सिखा दे। खैर ये सब तो चलता रहेगा, तो आ जाओ बताता हूँ कि आप इस सर्वर में कैसे खेल सकते हो। तो ये है पॉकेट पिक्सल की लॉबी, जिसकी आईपी है play.pocketpixels.net। इस लॉबी में आते ही सामने दिख जाता है कि कौन कौन सी इवेंट चालू है, जैसे कि अभी स्पूकी क्रेट की इवेंट चालू है, साथ ही साथ कौन कौन से दिन पर कौन से पोकेमोन स्पॉन होंगे वो भी दिख जाएगा। लेकिन गेम में जाने से पहले वेलकम बोनस लेना मत भूलना। तो वेलकम बोनस लेने के लिए जाना होगा shop.pocketpixels.net पर, और यहाँ आते ही फीचर्ड आइटम में जाके वेलकम बोनस फ्री में क्लेम कर सकते हो, जैसे मैंने किया और भर भर के चीजें मिली। बस फिर कंपास खोला और आ गया येलो सर्वर के अंदर, और सर्वर में आते ही मुझे एक पोकेमोन चूज करने का मौका मिला, तो मैंने फ्रॉकी को चूज किया एंड हियर वी गो। तो आप भी आ सकते हो इस सर्वर में, जिसकी आईपी है play.pocketpixels.net। एंड कोई भी दिक्कत हो या ट्यूटोरियल चाहिए तो आप getpixelmon.com पर जाके सब डिटेल्स में देख सकते हो। फिर मैं अपने भटकने की जर्नी चालू रखता हूँ, लेकिन सच बताओ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पोकेमोन का करना क्या है, कौन से पोकेमोन अच्छे है, करते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है। बस एक पोकेमोन का नाम पता था जो कि था पिकाचू। अब वो तो मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन इतना तो पता था कि प्लस की साइड में कुछ ना कुछ हिल होता होगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ से ये फ्रॉकी वापस होश में आ जाती है, और होश में आते ही वापस फाइट, नहीं मतलब हॉस्पिटल बाजू में है तो वहीं पे मारपीट चालू कर दोगे क्या? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, जियोडुड हार मानने के मूड में नहीं था, लेकिन एट द एंड एक अटैक ऐसा आता है कि जियोडुड खत्म, और वो पीछे छोड़ गया था कुछ फालतू के आइटम्स। फिर मैं एक फर्नेस बनाता हूँ और खाना पकाने रख देता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर चड्डी वाले पोकेमोन पर जाती है। वाओ, है कोई शर्म इससे? नहीं, ठीक है। लेकिन उस पर से ध्यान हटा के मैं ध्यान देता हूँ जियोडुड पर, इसे पकड़ना था मुझे, तो इस पर मैं एक पोकेबॉल फेंकता हूँ। कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, तीसरे में तो आ ही जाता है। बस आते ही सारा एटीट्यूड निकल गया और चिल्लाने लग गया, हुकुम करो मेरे आका। ये आका आप तुम्हें नचाएंगे, रुको बेटा तुम। तो उसे लेके मैं खाना वाना खा लेता हूँ और वहां से निकल जाता हूँ। थोड़ी दूर एक जगह पर एक छोटा सा पोकेमोन दिखता है, तो जियोडुड से इससे फाइट कराता हूँ, और भाई बहुत ही जल्दी निपटा दिया इसने तो, और उसे थोड़ा सा खाने का सामान मिल जाता है, लेकिन इतना इनफ नहीं था तो वहां जो थोड़े बहुत पंपकिन पड़े थे तो उससे ले लेता हूँ। थोड़े पंपकिन लिए ही थे कि मेरे सामने आता है कोई बॉस पोकेमोन। अब इसके सामने मैं मेरे पोकेमोन मैदान में उतारता तो मुझे इन लोगों को उठाने के लिए हॉस्पिटल ढूंढने जाना पड़ता, इसलिए चुपचाप पतली गली पकड़ के वहां से निकल जाता हूँ। लेकिन थोड़ा दूर आते ही एक क्यूबॉन ने अटैक कर दिया। धीरे धीरे मैं स्ट्रांग तो होता जा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि मुंह उठाकर किसी को भी हरा दूं। तो पहले फ्रॉकी फाइट करती है, उसकी थोड़ी हेल्थ कम करती है, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। अब इज्जत बचाने के लिए जियोडुड मैदान पर आता है। थोड़ी बहुत इससे पड़ती है, लेकिन भाई एंड में सारे अटैक सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये जीत जाता है, और साथ ही साथ इसका लेवल भी अप हो जाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो मुझे एक अच्छा ट्रेनर बनना था, जो ये छोटे छोटे पोकेमोन से तो पॉसिबल नहीं था। खैर वो सब बात की बात है, फिलहाल यहाँ पर मेरे सामने एक मिल टैंक आती है,
और मैं यहाँ पर अपनी पहली गलती करता हूँ। नहीं नहीं, इसे पकड़ने की नहीं, इस पर अपना ग्रेट बॉल वेस्ट करके पकड़ने की। ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि एक नंबर की निकम्मी पोकेमोन है, कुछ काम धंधा करती नहीं है, बस चिल्लाती रहती है। हाँ ऐसे। और ये गलती कम थी जो एक और गलती करने लगा, मैं जियोड्यूड को कैंडीज खिलाने लगा और इसका लेवल अप करने लगा। ये कैंडीज में बड़े पोकेमोन को खिला सकता था पर इसे फालतू में ही खिलाने लगा, और देखते ही इधर मेला लग गया, सब लोग कैंडीज खाने आने लगे। अब इन लोगों को कौन समझाए कि मेरे खुद के खाने के वांदे पड़े, इनको क्या खिलाओ। इसलिए रन फिर वहां से निकल के एक जगह पर आ पहुंचता हूँ जहां मेरे इस 100 डेज की जर्नी में एक नया मोड़ आने वाला था। मुझे दूर से विलेज दिख जाता है, मैं विलेज में आता हूँ और यहाँ के सारे घर दिखता हूँ, लेकिन सारे घर एबेंडेड थे, ना ही कोई विलेजर था, कोई नहीं मिलता, मैं दुखी हो जाता हूँ। और ऐसे ही आसपास भटक रहा था कि सामने मुझे एक इंसान दिखाई देता है, वो मेरे पास आता है। मैं अपनी दुख भरी दास्तान बताता हूँ कि मुझे भी एक ट्रेनर बनना है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं जो मुझे सिखा सके। तो वो इंसान जिसका नाम बकेट हेड था, उसने कहा कि मैं तुम्हें ट्रेनर बनाऊंगा, लेकिन जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करोगे तो ही। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया। फिर बकेट भाई बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग आज से ही चालू हो जाएगी और पहला काम करो कि जाके सो जाओ। ये भी ठीक है। तो अगली सुबह गुरुदेव बताते हैं कि पहले तुम मुझसे फाइट करो, मुझे तुम्हारे पोकेमोन्स की सारी मूव देखनी है, तभी मैं सिखा पाऊंगा। तो मैं एक एक करके सारे पोकेमोन्स दिखाता हूँ, फिर वो भी अपने सारे पोकेमोन्स दिखाते हैं, और तब पता चला कि गुरुदेव के पास पिकाचू है। पिकाचू? एक यही तो था जिसका नाम मुझे पता था। खैर, उसके बाद वो अपना बड़ा पोकेमोन दिखाते हैं जो कि था फेरोमोसा, और ये 70 लेवल के पोकेमोन के सामने कहां में टिकने वाला था। लेकिन ये बात गुरुदेव भी जानते थे, उन्हें बस मेरे पोकेमोन्स की एबिलिटी देखनी थी। और थोड़ी देर में मेरे सारे पोकेमोन्स बेहोश हो जाते हैं। तब गुरुदेव बकेट हेड महाराज बताते हैं, तुम्हारे पोकेमोन में लड़ने की एबिलिटी तो है, पर साथ ही में उन्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें घर और खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों मिलकर सीड्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। थोड़े बहुत सीड्स ले लेता हूँ, तब मेरा ध्यान जाता है कि मेरे पास हेलोविन क्रेट कीज आ चुकी है। आप भी सर्वर ज्वाइन कर लो, आपको भी मिल जाएगी, हेलोविन वीक स्पेशल है। लेकिन हेलोविन क्रेट ओपन करने से पहले जरूरी काम था डेली रिवॉर्ड लेने का, तो मैं सिर्फ डेलीज लिख के डेली रिवॉर्ड ले लेता हूँ। तो मुझे मिलती है 12 रेयर कैंडीज जिससे मैं पोकेमोन का लेवल अप कर सकता हूँ। तो अब टाइम था हेलोविन क्रेट ओपन करने का। तो क्रेट ओपन करने के लिए बस लिखना है /wops/crates, और जैसे ही मैं लिखता हूँ मैं एक अलग ही लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्रेट्स थी, जैसे कि लेजेंडरी, रेयर, अल्ट्रा रेयर, लेकिन मेरे पास सिर्फ हेलोविन की क्रेट थी। तो मैं देखता हूँ कि उस क्रेट में क्या क्या है। तो उस क्रेट में अलग अलग पोकेमोन्स थे, कुछ अच्छे बड़े बड़े और कुछ जाने दो। तो मैं पहला क्रेट ओपन करता हूँ, तो उसमें से निकलता है कोई लिफन। फिर एक एक करके हम दोनों क्रेट ओपन करते हैं। दस में से सिर्फ एक दो ही अच्छे पोकेमोन निकलते हैं, जिसमें से एक था रायक्विजा, जिसने पूरे 100 डेज की जर्नी में मेरा बहुत साथ दिया। शाबाश! क्रेट वगैरह ओपन करके हम दोनों साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं और फिर वहां से ओवरवर्ल्ड में आ जाते हैं। ओवरवर्ल्ड में आके दोनों एक दूसरे को अपने अपने पोकेमोन दिखाते हैं। तो मेरे पास लिफन था जो 50 लेवल का था, जो बिल्कुल कुत्ते जैसा दिख रहा था, और बकेट हेड के पास भी सेम वैसा ही दिखने वाला था, बस नाम अलग था। मेरे पास एक और पोकेमोन था जो बहुत बड़ा था, मतलब कि पूरी स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा था। खैर, बाकी रहा रायक्विजा, तो उससे बाहर लाने के लिए पीसी की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पोकेमोन के स्लॉट फुल हो चुके थे, जो कि अब पीसी मेरे पास था नहीं। तो थोड़ी देर बाद वो दिख ही जाएगा, लेकिन अब काम करना था घर बनाने का। तो पहले हम दोनों थोड़ा बहुत यहाँ का एरिया साफ करने लग जाते हैं। एरिया साफ करने के बाद वहाँ एक पोकेमोन आता है जो कि था ऑनिक्स, पर भाई साहब ये हाथ में ही नहीं आ रहा था। मैंने इतने नॉर्मल बॉल्स फेंके, ग्रेट बॉल्स भी फेंके, लेकिन ये हाथ में आने का नाम ही नहीं दे रहा था। बीच बीच में फाइट करके मैंने हेल्थ कम कर दी और फिर ट्राई करता रहा।
लेकिन वो आया ही नहीं। लास्ट में मैंने बकेटेड भाई को पूछा कि मास्टर बॉल यूज़ कर लो क्या, तो बताया ऐसे तुच्छ पॉकीमोन पर क्या ही मास्टर बॉल यूज़ करना। और मैंने भी सोच लिया अब आता होगा तब भी नहीं चाहिए, ऐसे घमंडी पॉकीमोन की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। बात तो सही है। फिर मैं वहीं आसपास थोड़ा आयरन ढूंढने निकलता हूँ, क्योंकि फार्म बनाना था और उसके लिए बकेट चाहिए थी, तो मुझे वहीं पर थोड़े बहुत कोल और आयरन दिख जाते हैं तो वो सब माइन कर लेता हूँ। एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं पर बहुत सारा कोल मिल जाता है तो वो सब ले लेता हूँ और आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। बकेट ने फार्म तो बना लिया था बस पानी नहीं डाला था, तो मैं पानी वगैरह डाल के फार्म को एक्सटेंड कर देता हूँ। तो दोनों को प्रॉपर खाना मिल सके उतना फार्म एक्सटेंड कर देता हूँ और थोड़े बहुत पम्पकिन के सीड्स भी लगा देता हूँ। अभी तक मेरी ट्रेनिंग सही जा रही थी, लेकिन अभी भी मेरा मेन पॉकीमोन बाहर नहीं आया था। मैं घर बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहा था कि बकेटेड भाई को पीसी मिल जाता है, तो अब फाइनली मेरा राइक विजा बाहर आ सकता था। तो पीसी पर जाके तो उसे मेन स्लॉट पर ले आता हूँ, लेकिन मैं वो चेला था जो गुरु दक्षिणा देता नहीं लेता था। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। वहीं पर एक ट्रेड मशीन थी, तो मैंने बकेटेड भाई से ट्रेड की और पिकाचू लेके अमुंगस चिपका दिया। तो फाइनली मेरे पास अब पिकाचू आ जाता है। इसका कोई काम तो था नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक जाना पहचाना पॉकीमोन आ जाता है। वैसे था तो ये क्यूट, कुछ भी बोल लो। ये सब काम करके मैं रिसोर्सेस कलेक्ट करने बाहर आता हूँ, लेकिन बाहर बहुत डरावना मौसम हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है, लेकिन तूफान से डरने वाले घर नहीं बना पाते। क्या बात है सर। इसलिए इसी तूफान में हम लोग लकड़ियाँ काटने लगे। लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद केव में आते हैं कुछ स्टोन्स वगैरह लेने के लिए, साथ ही साथ कुछ आयरन्स भी मिल जाते हैं तो वो सब माइन कर लेता हूँ। माइन करके बाहर आ ही रहा था कि एक स्पॉनर दिखता है, जहाँ पर एक पॉकीमोन था जो कि था गैल्वेन चूला। दिखने में अच्छा ठीक ठाक ही था, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाहर आ जाता हूँ। लेकिन मुझे याद आया मैंने आपको राय क्विजा तो दिखाया ही नहीं, तो ये रहा राय क्विजा। भाई साहब क्या ही बड़ा सा पॉकीमोन था, ऊपर से आवाज़ भी ऐसे खूंखार जानवर जैसे आ रही थी। उसके बाद एक और पॉकीमोन था जो था स्वीकेन, और बाकी ये बड़े बड़े पॉकीमोन थे जो थे अमुंगस। ये मेरे पास कम से कम 3-4 थे एक बकेटेड भाई को चिपकाने के बाद भी। चलो पॉकीमोन देख लिए तो अब घर बना लेते हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद हमारा एक छोटा सा घर रेडी हो जाता है। तो ये रहा घर। नीचे से ऊपर आने के लिए स्टेयर्स, और स्टेयर्स से ऊपर आते ही दो अलग अलग रास्ते। बीच में नहाने के लिए एक जगह बनाई है, जहाँ ये 100 दिन में हम सिर्फ अभी नहाने गए हैं। चलो वो सब छोड़ो, घर में चलो। तो घर में जाते ही दीवार पर कीमती पत्थर लगाए हुए हैं, और पीछे वाले रूम में किचन। ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए लेडर्स है, तो ऊपर के रूम में 2 शाही बेड लगाए हुए हैं। ये है बकेटेड भाई का और ये मेरा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था हम ट्रेनिंग कर रहे थे कि हाँ ये कर लो पहले। खैर ये रहा बार का लुक। तो आप बताओ घर आपको कैसा लगा, और इसको 10 में से कितना रेट करोगे कमेंट में बताओ। तो ट्रेनिंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी थी,
लेकिन वहां जाने से पहले मैं बकेट हेड को मेरे लैंड पर माइन करने की परमिशन दे देता हूँ और फिर आता हूँ माइनिंग करने के लिए। माइनिंग इसके लिए करनी थी कि हमें कुछ डायमंड्स की जरूरत थी, ज्यादा नहीं, दो चार ही चाहिए थे, इसलिए हम माइन करने आ जाते हैं। तो थोड़ी देर माइन करके मुझे तो चार डायमंड्स मिल जाते हैं, तो उसे माइन कर लेता हूँ और फिर वहां से बाहर आ जाता हूँ। लेकिन उस वक्त बकेटेड भाई पता नहीं कि वो मैं क्या कर रहे थे, तो मैं रायक्विजा को बाहर लाता हूँ और कैंडी खिला खिला कर बड़ा करने लग जाता हूँ। और थोड़े ही टाइम में मेरा फर्स्ट पोकेमॉन 100 लेवल का हो जाता है। इसकी साइज भी पहले से थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी एंड ऑब्वियसली हेल्थ भी। तो ये सब काम करते करते शाम हो जाती है, तो हम दोनों बस वहाँ पर टाइम पास करते हैं। भाई अपना पोकेमॉन दिखाते हैं जो कि था ग्रोडन, जो केव में से मिला था। फिर उस रात हम जल्दी सोने चले जाते हैं क्योंकि अगली सुबह मेरी ट्रेनिंग का आखिरी स्टेज आने वाला था, मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन। अगली सुबह मैं कुछ डायमंड्स दे देता हूँ और उससे बकेटेड भाई एक हीलर बना लेते हैं। फिर दोनों लोग अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं और आ जाते हैं एक जिम में, जो दूर से दिखने में एक महल से कम नहीं था, एक खूबसूरत जगह जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी। हम दोनों अंदर जाते हैं और अंदर मुझे बताया जाता है कि ये सारे अलग अलग लेवल के ट्रेनर्स हैं, इनसे अपने लेवल के अकॉर्डिंग फाइट करनी होती है। और जैसे ही किसी जिम में फाइट जीत जाते हो, तुम्हें एक बैच मिल जाता है, जितने ज़्यादा बैच उतना ज़्यादा खतरनाक ट्रेनर। फिर बकेटेड वहाँ एक ट्रेनर से फाइट करने जाते हैं और मैं भी स्पेक्टेट करता हूँ। तो ये फाइट थी चारिज़ार्ड के साथ और भाई थोड़ी देर में ग्रोडन ने चारिज़ार्ड को ख़त्म कर दिया। और वो जिम फाइट गुरुदेव जीत जाते हैं। फाइट ख़त्म होने के बाद उनके पास एक बैच कैसा आ जाता है जो मुझे दिखाते हैं, जिसमें लिखा हुआ था बकेट हेड और अंदर एक बैच भी था। तो अब अलग होने का टाइम आ गया था क्योंकि अब आगे की जर्नी मुझे अकेले ही तय करनी थी। उस वक्त गुरुदेव बताते हैं कि तुम्हें कम से कम दो बैच कलेक्ट करने हैं और कोई भी मुसीबत सामने आ जाए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बस उठा के पटक देना है। यही सीख लेके मैं वहां से निकल जाता हूं। अब हम अलग हो चुके थे लेकिन गुरुदेव जी ने मेरी काफ़ी मदद की थी। अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था, अब बस सबको पकड़ पकड़ के धो देना था। यही सोच के मैं आगे बढ़ रहा था कि मैं एक पिलेजा आउटपोस्ट पर आ पहुंचता हूँ। तो वो रात मैं यही आउटपोस्ट पर स्पेंड कर देता हूँ, लेकिन आगे की जर्नी के लिए मैं एक रेयर और एक लेजेंडरी क्रेट परचेस कर लेता हूँ जो मैंने pocketpixel.net से खरीदी, तो आप भी वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर क्या, मैं वापस आ जाता हूँ वही क्रेट वाली लॉबी में और यहाँ पर मुझे रेयर और लेजेंडरी क्रेट्स भी दिख जाती है। तो सबसे पहले मैं रेयर क्रेट ओपन करता हूँ तो उसमें से मुझे मिलता है एक एवरस्टोन। अब ये क्या था पता नहीं, इसके लिए इसके बारे में पंचायत नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी लेजेंडरी क्रेट ओपन करता हूँ तो उसमें से मुझे मिलता है 16 पार्क बॉल्स। अब इसके बारे में पता है तो मैं दुनिया भर की पंचायत करूँगा क्योंकि ये ऐसे बॉल्स है जो कभी फेल नहीं होते, इसमें पोकेमॉन आ ही जाते हैं। अब इससे अच्छी क्रेट ओपनिंग क्या ही होगी। तो वो सब लेके मैं वापस ओवर्ल्ड में आ जाता हूँ। ओवर्ल्ड में आके सबसे पहला टारगेट था कि थोड़ी बहुत यहाँ पर फाइट करना और थोड़े बहुत बड़े बड़े पोकेमॉन को हराना। लेकिन फाइट होने से पहले मुझे एक पोकेमॉन दिखता है जो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इसे पकड़ने का मन कर रहा था। और भाई ये ऐसे दिख रहा था जैसे अभी सिंह उठा के मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। मैं उसके ऊपर एक नॉर्मल पोकेबॉल फेंकता हूँ लेकिन ये नहीं आता। फिर वापस दूसरा बॉल फेंकता हूँ लेकिन ये वापस नहीं आता। अब इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसके लिए सीधा पार्क बॉल फेंकता हूँ। गुरुदेव से शिक्षा लेने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा पोकेमॉन से फाइट कराता हूँ, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन रायक्विजा सबको एक एक अटैक में ही ख़त्म कर देता। अब रायक्विजा पूरी तरीके से रेडी था लेकिन इसे एक और पार्टनर की ज़रूरत थी, कोई इसके जितना ही या इससे पावरफुल पोकेमॉन की ज़रूरत थी। और वो तलाश भी एक जगह पर आकर ख़त्म होती है, मेरे सामने ही एक जायंट बिल्कुल ड्रैगन जैसा दिखने वाला पोकेमॉन। अब मैं इस पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ भी सोचे बिना सीधा पार्क बॉल फेंकता हूँ और थोड़ी देर में बूम, ये अब मेरे पास आ गया था जिसका नाम था एटरनॉस। लेकिन इसे इन पोकेमॉन्स की लिस्ट में लाने के लिए एक पीसी की ज़रूरत थी, इसके बिना तो ये यूजलेस पड़ा रहेगा, इसलिए एक पीसी की तलाश में निकल जाता हूँ। थोड़े भटकने के बाद ही मुझे एक घर दिख जाता है, पता नहीं किसी ने बनाया होगा इस सर्वर में, लेकिन मुझे उसके घर में दूर से ही पीसी दिख जाता है। तो मैं उसके घर में जाता हूँ और घर में भाई सब सही तरीके से सेट करके रखा था, सोफा टीवी सब लगा हुआ था, लगता है भाई बहुत अमीर बंदे के घर में घुस गया था। लेकिन मेरे को क्या, मैं पीसी का यूज़ करके एटरनॉस को बाहर ले आता हूँ।
लेकिन बाहर आते ही मुझे एक पोकेमोन दिखता है जो अभी थोड़ी देर पहले जिसको पकड़ा था उसी का रिश्तेदार लग रहा था। तो मैं एटर्नस को वार्म अप करने के लिए उस पर छोड़ देता हूँ। एटर्नस के फर्स्ट अटैक से उसकी हेल्थ हाफ हो जाती है और दूसरे अटैक में खत्म। तो ये रहा एटर्नस। इसकी बॉडी में कुछ गोल गोल घूम रहा था। अब पता नहीं क्या था, ये हार्ट था या किसी मशीन का इंजन, लेकिन पोकेमोन दम वाला था ये मैं समझ चुका था। और ये दूसरा जो निकम्मा है, बस अपना नाम चिल्लाता रहता है, सेल्फ ऑब्सेस कहीं का। खैर मैं वहां से निकल जाता हूँ क्योंकि अब ट्रेनर बनने का टाइम आ गया था, जिम में जाकर लड़ने का टाइम आ गया था, और अब मेरे पास दो दो बड़े बड़े पोकेमोन तैयार थे। मैं सीधा एक जिम में आ पहुंचता हूँ। वहां जाके सबसे पहले अपने सारे पोकेमोन को हिल करता हूँ और वहां के ट्रेनर को फाइट के लिए बुलाता हूँ। मेरी ओर से आता है रायक्विजा और फाइट शुरू होते ही मेरे पोकेमोन के एक एक करके सारे अटैक फेल होने लगे। बैक टू बैक 5 अटैक फेल हो गए। मेरी हेल्थ बची थी सिर्फ 20%। मुझे लगने लगा कि मैं हारने वाला हूँ, लेकिन तब भी मेरा नेक्स्ट अटैक आता है और एक ही अटैक में सामने वाला खत्म। भाई सीरियसली, थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। उसके बाद दूसरा पोकेमोन आता है तो उसे भी रायक्विजा सिर्फ 20% हेल्थ के साथ ही निपटा देता है। फाइनली पहले जिम की फाइट जीत जाता हूँ। पहला पोकेमोन भाई बहुत ही ज्यादा टफ पड़ा था, लेकिन जो भी हो मैं जीत जाता हूँ और मुझे मिल जाता है एक बैज। तो ये बैज के इसको ओपन करके रजिस्टर करता हूँ तो वहाँ मेरा नाम आ जाता है और फिर जो बैज मिला था उसे अंदर लगा देता हूँ। तो ये बैज तो अंदर लग जाता है, लेकिन अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे ट्रेनर बनने के लिए एक और बैज चाहिए था, इसलिए वहाँ से एक और जिम की तलाश में निकल जाता हूँ। तो मैं बहुत ट्रैवल करके एक और जिम पर आ पहुँचता हूँ और जिम में आते ही मुझे ट्रेनर दिख जाता है। तो ये 68 लेवल का ट्रेनर था। लेवल तो ऐसा देख रहा था जैसे मेरे को फ़र्क पड़ रहा था। तो सबसे पहले मैं मेरे सारे पोकेमोन की मलम पट्टी करता हूँ और फिर इस ट्रेनर के साथ फाइट चालू करता हूँ। तो ये फाइट में मैं एटर्नस को मौका देता हूँ और ये पता नहीं इसकी बॉडी में से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे रिक्शा चल रही हो। मुझे लगा ही था इसकी बॉडी में कोई इंजन है, लेकिन इंजन हो या कुछ भी हो, इसने एक एक करके 4 अटैक में 4 पोकेमोन को ख़त्म कर दिया। भाई क्या ही लड़ा है, सामने वाले को फाइट का मौका ही नहीं दिया। फाइनली मैं 2 जिम में फाइट जीत चुका था। मुझे दूसरा बैच भी मिल जाता है तो उससे भी मैं बैच केस में डाल देता हूँ। अब मैं एक ट्रेनर बन चुका था और अब टाइम था गुड न्यूज गुरुदेव को सुनाने का, इसलिए बोट में बैठ के निकल जाता हूँ घर आने के लिए। तब तक आप लोग क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। मैं बोलता नहीं तो आप करते ही नहीं हो, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अभी कर लो, तब तक मैं घर भी पहुँच जाऊँगा। गजब तू भी आ जाती। तो मैं अपनी उड़ती रिक्शा पर बैठकर घर पहुँच जाता हूँ, लेकिन गुरुदेव घर पर ही नहीं थे और मुझे पता नहीं कब आएंगे। तो मैं ऐसे ही घर के आसपास घूमता रहता हूँ कि क्या पता कोई नया पोकेमोन आ जाए तो उससे पकड़ लूँ। लेकिन इतना अच्छा नसीब का बस कोई कोई पोकेमोन आते हैं मुंह उठा के फाइट करने, वो बस हार के चले जाते हैं। मैं उस टाइम बोर हो रहा था तो रिक्शा को बाहर लाता हूँ और उसे कैंडी खिला के लेवल अप कराता हूँ। सारी कैंडीज खा के वो 83 लेवल का हो जाता है और तब तक रात भी हो जाती है तो मैं सोने जाता हूँ। लेकिन तब गुरुदेव आ चुके थे, पता नहीं कब आ गए थे। जो भी हो मैं सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह गुरुदेव जो दूर दूर गांव से सब खरीद के लाए थे वो लगाने लग गए और फिर उसी पर बैठ के मैंने बताया कि मैंने इतने दिनों तक क्या क्या किया, किस किस जिम में जाके लड़ा और कैसे एक एक करके सबको हराया। गुरुदेव मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस देख के काफ़ी खुश थे, फिर बोला कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब ख़त्म हुई, तुम एक ट्रेनर बन चुके हो, तो चलो एक एक हाथ गुरुदेव के साथ भी हो जाए। लेकिन मेरा शिष्य धर्म मुझे इस बात की परमिशन नहीं दे रहा था, पर मैं मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने मन ही मन में सोच लिया कि मैं जानबूझ के हार जाऊंगा। और वैसा ही किया मैंने, मैं वो फाइट हार गया। इससे गुरुदेव भी खुश हो गए और मैं भी। तो इस तरीके से मैंने पिक्सेलमोन में सर्वाइव किए 100 डेज और बन गया एक अच्छा ट्रेनर। आप भी ज्वाइन कर सकते हो सर्वर को, सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ पिक्सेलमोन के डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना। और फिर यहाँ 100 डेज सर्वाइव करने के बाद मैं चला वापस अपने ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग्स का एक आखिरी और इमोशनल एपिसोड बनाने के लिए।